हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल बेसन लिया है और एक मीडियम साइज़ की लौकी को कद्दूकस करके रख लिया है। और इस कद्दूकस करी हुई लौकी में हमने चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड हरी मिर्च ऐड की हैं और इसमें हमने थोड़े से पाउडर मसाले मिलाए हैं, जिनमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। ये तो था हमारा कोफ्ते बनाने का सामान। अब चलिए देखते हैं हमें लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ दो मीडियम साइज़ की ऑनियन को चॉप करके रख लिया है और हमने यहाँ दो टमाटर की प्यूरी बनाई। आप चाहे टमाटर को चॉप भी कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे दो बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो प्याज का भी पेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। और तड़के के लिए हमने यहाँ कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें दो तीन तेज पत्ते, हरी इलायची, साबुत जीरा और एक सूखी लाल मिर्च ली है। पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला पाउडर। तो चलिए हम अपना कोफ्ते बनाने का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो कद्दूकस की हुई लौकी में हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाएंगे और पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब बेसन को एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन ऐड करें और अच्छे से मिलाते हुए एक थिक पेस्ट बना के तैयार कर लें। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा पतला लगता है तो आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना। तो हमारा कोफ्ते बनाने का पेस्ट बनके रेडी है। अब हम इस पेस्ट में दो चम्मच गरम तेल ऐड करेंगे। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये तेल गरम हो चुका है। अब हम इसे अपने कोफ्ते के मिक्सचर में ऐड करेंगे। गरम ऑयल ऐड करने से हमारे जो कोफ्ते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी टेस्टी रहेंगे। अब दोनों साइडों से हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे पेस्ट के कोफ्ते बना बना के रख लेंगे। हम सारे पेस्ट के कोफ्ते बना चुके हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए अब कोफ्ते की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो कोफ्ते का तेल बचा था उसमें हम तड़का लगा देते हैं और इसमें हम चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से धीमी आंच पे 5 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें अपने पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। पिसे हुए मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और उन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसे हुए मसालों को अच्छी तरीके से भून लेने के बाद हम इसमें अपनी टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पे भूनना होगा।
आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत अनुसार ऐड कर सकते हैं। पानी में उबाल आने पर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम अच्छे से इन्हें मिला देंगे और फिर इन्हें धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट तक ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कोफ्ते की सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।